कोई नगर अपने इतिहास व विरासत के साथ आधुनिकता को कैसे धारण कर सकता है, यह विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर काशी से सीखा जा सकता है। तथा शीघ्र ही काशी भारत को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत कचड़े का श्रेष्ठतम उपयोग भी करना सिखाएगी। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको धर्म, अध्यात्म व कला संगीत की नगरी काशी में कचरे से कोयला बनाने वाले प्लांट की जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कि आप जानेंगे कचरे से कोयला बनाने वाले प्लांट का वास्तविक स्थान, कितनी भूमि पर बनेगा यह प्लांट, कितनी लागत से होगा इसका निर्माण, कब से होगा यह प्लांट आरंभ, कितनी क्षमता होगी इस प्लांट की, क्या होंगे इस प्लांट से मिलने वाले लाभ तथा कब होगा इसका शिलान्यास। तो मित्रों, यह सभी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गलियों का शहर, घाटों का शहर, मंदिरों का शहर आदि के रूप में विश्व विख्यात काशी अर्थात वाराणसी उत्तर प्रदेश की ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष की धर्म नगरी मानी जाती है। इसी नगर में भगवान शिव का द्वादश ज्योतिर्लिंग व भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली भी है तथा इस शहर के अल्हड़पन जीवन का अनुभव करने प्रतिदिन हजारों से लेकर लाखों यात्री व श्रद्धालु वाराणसी आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक नगरी काशी को आधुनिक भारत में मुख्य स्थान प्रदान करने के लिए वाराणसी नगर में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सैकड़ों विकास कार्यों पर निर्माण कार्य तीव्र गति से संचालित हैं, जिनकी जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। बता दें कि वाराणसी में रिंग रोड, अस्पताल, विद्यालय, मल्टी लेवल पार्किंग, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, आरओबी व फ्लाईओवर के निर्माण के अतिरिक्त शहर की सड़कों का कायाकल्प भी किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी यूं तो धर्म और संस्कृति के लिए विख्यात है, परंतु काशी अब देश व दुनिया को कचरे से कोयला बनाने का मंत्र भी देगी। जी हाँ, कचरे से कोयला बनाने का देश का पहला प्लांट अब बनारस के रमणा में बनने जा रहा है। अति शीघ्र ही कचरे से कोयला बनाने का प्लांट यहाँ पर लगाया जाएगा। इस परियोजना की अधिक जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी नगर निगम के सहयोग से NTPC वाराणसी के रमणा में इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को लगाएगी। बात इस प्लांट की करें तो इसकी क्षमता 800 मीट्रिक टन कूड़ा निस्तारण की होगी। इसके अतिरिक्त ये प्लांट हर प्रकार से इको फ्रेंडली होगा, अर्थात जिससे कि आसपास के रहने वाले लोगों अथवा पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना हो। जैसा कि हमने आपको इस विषय पर अक्टूबर माह में सबसे पहले जानकारी दी थी कि सब कुछ ठीक रहा तो नवम्बर महीने से इस प्लांट का निर्माण कार्य आरम्भ हो जाएगा। तो आपको इस पर वर्तमान समय की जानकारी के लिए बता दें कि इस परियोजना पर कंपनी का चयन भी NTPC की ओर से कर लिया गया है, जिसने कि इस स्थान पर अपना एक छोटा सा कार्यालय भी स्थापित कर रखा है, जिसे कि हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तथा सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने नव वर्ष के आगामी 8 जनवरी के आगमन में इसका शिलान्यास करने वाले हैं तथा शिलान्यास के पश्चात 1.5 वर्ष में यह प्लांट बन करके तैयार हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि इस प्लांट के निर्माण में लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस पर और अधिक जानकारी के लिए बता दें कि सतत विकास की दिशा के प्रयास में NTPC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NTPC विद्युत व्यापार निगम अर्थात NVVN लिमिटेड ने अपशिष्ट से ऊर्जा अर्थात WTE स्थापित करने के लिए वाराणसी नगर निगम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संयंत्र ठोस कचरे के कारण होने वाले पर्यावरणीय खतरे को कम करने में सहायता करेगा और स्वच्छ भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण में योगदान करते हुए स्वच्छ परिवेश लाएगा। NVVN ने परियोजना के तेजी से निष्पादन के लिए 12 नवंबर को संयंत्र के EPC अनुबंधन कार्य का आदेश दिया है। यह संयंत्र देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवीनतम स्वदेशी मेक इन इंडिया तकनीकी का उपयोग करते हुए हिंदुओं की पवित्र नगरी वाराणसी के लिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। वाराणसी नगर निगम ने संयंत्र की स्थापना के लिए रमणा में लगभग 20 एकड़ भूमि आवंटित की है, जो कि रमणा में स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ठीक सामने है। आपको हम यह दोनों स्थानों के दृश्य अच्छे से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस रमणा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की अधिक जानकारी के लिए बता दें कि रमणा वाराणसी में 50 MLD क्षमता के इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य
वाराणसी नगर के अंतर्गत 5 वार्डों नगवा, नरिया, सुंदरपुर, नेवादा और सराय सुरजन के नालों का पानी सीधे गंगा नदी में जाने से रोकने के लिए इस एसटीपी का निर्माण करवाया गया है, जिसमें कि 160 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसका निर्माण आरंभ हुआ था 19 फरवरी वर्ष 2018 को तथा इसका उद्घाटन पिछले ही सप्ताह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसके परिणाम स्वरूप अभी भी यहाँ के भवनों पर फूल मालाएं देखने को मिल रही हैं। बता दें कि इस प्रकार के घरेलू सीवेज को गंगा नदी में जाने से रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत कई नालों को टैप कर एसटीपी के माध्यम से शोधित करने के उपरांत गंगा नदी में प्रवाहित करने के लिए बनाया गया है। परियोजना के अंतर्गत मुख्यतः 80 नदी एवं 2 अन्य नालों के इंटरसेप्शन और डायवर्जन कार्य, नगवा में पूर्व से निर्मित 50 एमएलडी क्षमता के मुख्य सीवेज पंपिंग स्टेशन एवं राइजिंग मेन के जीर्णोद्धार कार्य, रमणा में 50 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, स्टाफ क्वार्टर एवं एफ्लुएंट लाइन के निर्माण कार्य एवं उनका 15 वर्षों तक संचालन एवं रखरखाव का कार्य सम्मिलित हैं। अब यदि आपको पुनः कचरे से कोयला बनाने वाले प्लांट की जानकारी दें तो बता दें कि परियोजना के अंतर्गत नगर निगम ठोस अपशिष्ट के 600 से 800 टन प्रतिदिन की अपशिष्ट पृथक्कीकरण सुविधा वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस कचरे को संसाधित भी किया जाएगा और रिएक्टर में टॉरफाइड चारकोल का उत्पादन करने के लिए फीड किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि प्राकृतिक कोयले के समान टॉरफाइड चारकोल को भी बिजली उत्पादन के लिए थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के साथ सफलतापूर्वक मिश्रित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इसका तापमान अन्य तकनीकों की तुलना में कम है, जिसके कारण कोई जहरीला उत्सर्जन नहीं होता है, जो कि महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने सुना होगा कि आजकल देश विदेश के कई स्थानों पर कोयले की कमी से विद्युत का संकट उत्पन्न होने की सूचना समाचारों में मिलती रहती है, जिसके कारण से कोयले के विकल्प की खोज हो रही है तथा इन दिनों बिजली उत्पादन इकाइयों में कोयले का संकट को देखते हुए कूड़े से कोयला बनाने का यह प्रोजेक्ट देश में नई ऊर्जा क्रांति ला सकता है तथा यह प्रयास सफल रहा तो इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है। महत्वपूर्ण है कि कूड़े व कचरे से कोयला बनाने से न केवल कूड़े व कचरे के निस्तारण में सुविधा मिलेगी अपितु प्राकृतिक संसाधनों की क्षति को भी थोड़ा ही सही परंतु कम किया जा सकता है। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई वाराणसी के कचरे से कोयला बनाने वाली विशेष परियोजना की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं वीडियो के विषय में यदि कोई सुझाव हो तो वह भी अवश्य बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा नए दर्शक हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।